यहाँ पर दिख रहा है ना टैरो रेस्टोरेंट है, ये भी न्यू खुला हुआ है। हे एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल डिलीशियस डेली में। मैं हूँ राशि, आज आपको लेकर आई हूँ DLF मॉल ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या खास होने वाला है, तो वीडियो में बने रहो और मेरे साथ एंजॉय करते रहो। एंट्री करते ही रंग बिरंगी तितलियों ने मेरा स्वागत किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिविटी चल रही है पल्स की तरफ से। उन्होंने कुछ इस तरह के पैकेट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको पिक करना है। एक नंबर वगैरह होता है तो उस नंबर वाले पल्स को आपको पिक करना है और इन्होंने काफी सारे उठा लिए, मतलब एक साल का इनका पूरा हो चुका है आई थिंक। स्टॉक होती रहती है यहाँ पे एक्टिविटीज इस तरह की, तो चलिए चलते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीजें दिखने वाली है, स्पेशली हम जैसे फूडीज के लिए यहाँ पर क्या स्पेशल होने वाला है। और शॉपिंग वगैरह तो है ही, बाकी सारे ब्रांड्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट है सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। काफ़ी बड़ा भी है तो यहाँ पर आपको चार फ्लोर दिखने वाले हैं। बाकी चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिखने वाला है। लेट्स गो। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही मुझे एक बढ़िया चीज़ दिखाई दी और वो है बकलावा। सबसे यूनिक टर्किश स्वीट है एक बकलावा, जिसे तुर्की के लोग बड़ा पसंद करते हैं। और सिर्फ बकलावा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके दिल को छूने वाली है, तो ट्राई कीजिए। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है तो आइसक्रीम देख के मन तो करते ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का मज़ा उठाया जाए। सो गाइस, 150 रुपीस के अंदर आप कोई भी फ्लेवर ट्राई कीजिए और साथ में थोड़ा सा एंजॉय यहाँ पर हो जाएगा आपका। मज़ा आ रहा था, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खाली कोन ही हाथ में लग रहा था, बार बार आइसक्रीम आ ही नहीं रही थी। और एक बार मैंने ट्राई भी किया कि आइसक्रीम पकड़ने की, लेकिन आइसक्रीम हाथ में आई लेकिन कोन नहीं आ पाया। देखिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। 150 रुपीज़ के अंदर आपको हमें मिलने वाली है, तो बच्चे के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए और स्पेशली दोस्तों के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप सोच समझ के पंगा लेना इनसे, और जीतना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है लेकिन आप जीत जाओ तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज कोई नहीं, मज़ा तो आया ही। सो फाइनली आइसक्रीम मुझे मिल गई, मज़ा आ गया। लेकिन इस आइसक्रीम का मज़ा ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपकॉर्न्स। तो गाइस बिना देरी के चलते हैं सेकंड फ्लोर पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो के अंदर इतने सुंदर सुंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो में शायद इतने अच्छा ना दिख रहे हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलेक्शन है सच में। सो गाइस थर्ड फ्लोर पर आपको छोटे से यहाँ स्नैक पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप स्पाइरल पोटैटो ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखने वाला है सबका फेवरेट फ्रीजिंग जोन गेम ऑन स्मैश। सो गाइस बच्चों का इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे झूले और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बच्चों को तो सच में मज़ा आ जाएगा, उनके लिए तो ये जन्नत से कम नहीं होने वाली। 1000 रुपीज़ का पास आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, उसके बेस पर आप यहाँ पे जितने मर्जी झूले झूलिए, जितनी मर्जी एक्टिविटी कीजिए और जितना मर्जी फन कीजिए।
तो आप देख सकते हो सारे छोटे बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं झूलों को। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो ऊपर भी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है करने के लिए, नीचे भी है। और एक सबसे अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि अगर आप बच्चों की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बढ़िया सा ऑप्शन है, ये एरिया दे रखा है स्पेशली बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए आप सोच सकते हो। बाकी इसका क्या प्राइस वगैरह होने वाला है वो आगे वीडियो में पता लगेगा आपको। बहुत ज़्यादा फन हो गया, अब भूख लगी है, चलते हैं फूड कोर्ट। तो हमें जाना पड़ेगा थर्ड फ्लोर पर और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फूड कोर्ट दिखने वाला है। बहुत सारे आउटलेट्स भी आप यहाँ पर देख पाओगे। डिफरेंट आउटलेट यहाँ का क से कुलचा है जो अपने आप में ही बहुत ही खास है। यहाँ के कुलचे आप देख सकते हो, प्रेजेंटेशन काफी सुंदर लग रही है उनकी। चिली पटैटो, मंचूरियन, चिली पनीर, नूडल्स और साथ में आपको स्प्रिंग रोल मिलेगा और थोड़ी सी सिनेमन सॉस प्लस कोल्ड ड्रिंक। देखते हैं अंदर फीलिंग कैसे होने वाली है, क्या टेस्ट होने वाला है इसका। बहुत बढ़िया लगा मुझे टेस्ट इसका। अंदर जो फीलिंग है आप देख सकते हो, मिक्स वेज है इसके अंदर, नूडल्स नहीं है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चिली पनीर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा होने वाला है ये। सीरियसली गाइस, चिली पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा है। मंचूरियन भी ट्राई करते हैं चलिए इनके। अगर मैं बात करूँ उस पूरे प्लेटर की, तो जो प्लेटर है वो बहुत ही बढ़िया, इतना ज़्यादा आप देख रहे हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़िया है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया इनका प्लेटर। दिल्ली में अगर आप
मनाली वाली मस्ती चाहते हो तो आ जाइए आप 4th फ्लोर पर, आपको स्नो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है ताकि आप वहाँ पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल जाएगी, और क्या प्राइस होने वाला है, क्या टाइमिंग होने वाला है, वो सारी मैंने उस ब्लॉग में कवर किया हुआ है। तो जल्दी से जाके चेक कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस स्नो मस्ती में। तो इसी के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इन्जॉय किया तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल बटन ज़रूर दबा देना। फिर मिलेंगे दिल्ली में किसी और जगह पर घूमते फिरते और मस्त खाने के साथ।